छपरा स्थित रिमांड होम में आज सुबह होमगार्ड जवान चंद्रभूषण सिंह की हत्या, बाल कैदियों ने चाकू से गोद कर दी। घटना उस वक्त हुई जब सुबह चंद्रभूषण सिंह कैदियों के हालात का जायजा लेने वार्ड के अंदर गई। सभी कैदियों ने उन्हें पकड़ लिया, पहले जमकर पिटाई की, चाकू घोंप कर हत्या कर दी। घटना के वक्त दो अन्य होमगार्ड जवान भी मौजूद थे, जिन्होंने किसी तरह चंद्रभूषण सिंह को बाहर निकाला, इलाज के लिए अस्पताल ले गए, हालांकि वहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटनास्थल पर वरीय पुलिस अधिकारी सारण डीआईजी पहुंचकर मामले की जांच में जुटी है। हालांकि सारण डीआईजी विकास कुमार ने बताया कि अभी मामले की जांच चल रही है। वहीं मृतक के परिजनों का रो रोकर बुरा हाल हो चुका है। परिजनों ने न्याय की गुहार लगाई, लेकिन अब सवाल ये उठता है, बाल सुधार गृह में चाकू कैसे आया? छपरा से मनोरंजन पाठक की रिपोर्ट। के पास कोई सूचना नहीं थी और इन्होंने ऐसा घर में ऐसा कुछ भी नहीं बोला था। अगर ऐसा होता तो आपको कैसे मालूम कि दबाव था? सर, ये इनके भाई आए हुए थे, इनके भाई आए और उन्होंने कहा कि थोड़ा जल्दी आइए, हमारे भाई का छुरी लग गया है। बोले कैसे लग गया भाई, ऐसा आदमी को तो छुरी नहीं लगना चाहिए। बिरादरी कोई जाता, जितना भी कोई आपराधिक तत्व भी होता है ना सर, इनको देख करके साइड दे देता है कि सबसे अच्छा व्यवहार करने वाले में। तो क्या चाहेंगे बाबू जी, क्या चाहेंगे? सर, उचित न्याय मिले और सरकार से हम लोग क्या आग्रह कर सकते हैं, यही आग्रह कर सकते हैं कोई उचित न्याय मिले, उचित जो मुआवजा है वो मिले। क्या नाम है? मेरा नाम कमेश्वरराम हुआ सर। उनकी हत्या हो गई सब अनुसंधान के क्रम में पाते हैं। किनके द्वारा हत्या की गई है? हत्या किनके द्वारा की गई है? चाकू। किनके द्वारा? कौन लोग शामिल थे इसमें? पूरा घटनाक्रम क्या बताया गया? वो अनुसंधान का विषय है, अभी अनुसंधान किया जा रहा है। थैंक यू। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमजी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमजी बार्स, रिश्ता मजबूती का।